चुनावी रंजिश को लेकर दबंगों ने की मारपीट व तोड़फोड़। चुनावी रंजिश को लेकर दबंगों ने घर में घुसकर शिव कुमार धुरिया व उसकी पत्नी के साथ मारपीट व तोड़फोड़ की। मामला महेशगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा पूरे झाव का है, जहां बीती रात शाम 7:30 बजे शिव कुमार धुरिया अपनी पत्नी के साथ घर पर थे। अचानक बगल के गांव चिकैतीपुर व रामचंद्रपुर से आए महेंद्र प्रताप, शिव प्रताप, धीरेन्द्र यादव व त्रिभुवन पटेल ने शिव कुमार धुरिया व उसकी पत्नी को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए लाठी डंडों से मारने व पीटने लगे। शोर शराबा सुनकर जब गांव के लोग दौड़े तब दबंगों ने जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। आज सुबह जब पीड़ित परिवार महेशगंज थाना पहुंचा तो दबंगों के दबाव में थानाध्यक्ष ने FIR दर्ज करने से मना कर दिया। उसके बाद पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतापगढ़ से लगाई है। लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज के लिए देव विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जी, आप दोनों लोग आज पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय के पास आए हैं, क्या है पूरा मामला और क्यों आए हैं, क्या शिकायत है आपकी? मामला है कि कल शाम को 7:30 बजे हम घर पे थे, मैडम वाइफ खाना बना रही थी और दबंगों ने रामचंद्रपुर से महेंद्र प्रताप यादव, शिव प्रताप यादव और वो त्रिभुवन पटेल और टिकैतनपुर से वो धीरेन्द्र यादव, ये चार लोग जो है मिलकर आए हमारे घर पे लाठी डंडे से और दारू पी के पूरे नशे में धुत और घर में घुसते हुए चले आए और बगैर कुछ पूछे ताछे तुरंत घुसते ही मारपीट चालू कर दिए, कपड़ा भी फाड़ डाले और घर के अंदर जो है सारा तोड़ फोड़ कर दिए और ये हमारे चोट लगी है, मैडम को जो है हमारे पैर में चोट लगी हुई है। ठीक है और हमारे को यहाँ पे भी लगा हुआ है जी। तो आपने 112 नंबर नहीं बुलाया था क्या? शाम को 112 नंबर बुलाया था हमने, आई थी लेकिन उसने कोई कार्यवाही नहीं किया। तो थाना आप नहीं गए थे? थाना आज सुबह गए थे हम 8 बजे लगभग 9 बजे, तो वहाँ पे हमने एप्लीकेशन दिया लेकिन वहाँ पे कोई कार्यवाही हमारी नहीं हुई। तो अभी आप कार्यालय पुलिस SP कार्यालय आए हो, यहाँ पे क्या? वहाँ पे हमारी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो हमको यहाँ पे आना पड़ा। तो FIR आपने दिया? जी हाँ, FIR दे दिया है जी। तो क्या मतलब मामले में क्या आपको यहाँ से क्या आपको सांत्वना मिला? यहाँ से साहब लोगों ने बोल दिया है कि मामले का जांच करवा के FIR दर्ज करवा रहे हैं, अब आगे देखिए क्या होता है। चलिए।